नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो वैभव सूरी जो कि ग्रैंड मास्टर है दिल्ली के, और जी आकाश जो तमिलनाडु के एक इंटरनेशनल मास्टर हैं, उनके बीच हुआ था। तो हम लोग क्विकली गेम विंडो की तरफ जाते हैं। इस गेम में आप देख सकते हैं कि मैंने एक्चुअली एक पोजीशन सेट की है मिडल गेम की, जो कि 22nd मूव नंबर पे A4 खेला था वैभव ने, और यहाँ पर B4 खेल दिया ब्लैक ने। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि बी कट C4 एक अच्छा ऑप्शन था, जहाँ पे शायद A5 क्वीन B4 में भी और नाइट इनटू C4 के साथ ये पोजीशन खेल सकते थे, लेकिन B4 खेला ब्लैक ने, इधर फिक्स कर दिया क्वीन साइड को। और इसके बाद नाइट D5 आ गया, जिसमें नाइट कट D5, सी कट D5, A5। अब फाइनली आप देख सकते हैं कि ठीक है, ब्लैक के पास बिशप पेयर है। यहाँ पे नॉर्मली ओपन सिचुएशन में आपको इनका एडवांटेज हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि इतना होगा, बिकॉज इस बिशप को रीग्रुप करना इतना आसान नहीं है फिलहाल। तो नाइट C4 खेला, ये एक बहुत अच्छा प्लेस था नाइट के लिए, जिसमें आप A5 और D6 दोनों पे अटैक है, और इसको हटाना इतना आसान भी नहीं था। क्वीन A6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, और क्वीन G4 है वाइट। अब आप देख सकते हैं कि व्हाइट के पास एक स्टैंडर्ड अटैकिंग पोजीशन है, जहाँ पे कि क्यों मैंने ये मिडल गेम का पोजीशन चूज किया था, कि आपको बहुत बार अटैकिंग पैटर्न्स जो होते हैं वो बहुत रिकॉग्नाइज करने होते हैं कि कैसे आप अटैक बिल्डअप कर सकते हो। तो बिशप C8 खेला यहाँ पे ब्लैक ने, क्वीन पे थ्रेट है, डेफिनेटली आपको क्वीन हटाना पड़ेगा। क्वीन G3 खेला, Bd7 F4, और फाइनली जो मेन जो पॉइंट है वो E5 है, ताकि उसको हम प्रेशराइज कर सके वाइट से। और आप देख सकते हैं कि इसको बचाने के लिए F6 खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर एक बार ये E5 ब्रेक हो गया तो बिशप और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे इस पोजीशन में, तो तब किंग को और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो किंग क्वीन F2 खेला यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ क्वीन F2 F5 भी एक ऑप्शन हो सकता था, जिसमें आप बाद में क्वीन रिमूव करके G4 H4 G5 ऐसा जा सकते हैं। बट गेम में क्वीन F2 खेला यहाँ पे वाइट ने। क्वीन F2 के बाद BD8 खेला, ये एक इसको वापस रीग्रुप करने के लिए अच्छा है कि आप बिशप C5 पे पोस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ये बिशप यहाँ पे E7 पे पैसिव लग रहा है, पर यहाँ पे एक्टिव हो सकता है। रूक F1 खेला यहाँ पे वाइट ने, डेफिनेटली बिशप B6 नहीं आ रहा है इमिडिएटली। सो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो बिशप C7 एक अच्छा मूव था, जिसमें किंग H1 और फिर ये गेम कंटिन्यू हो सकता था, शायद रुक है C8, और उसके बाद वाइट के पास अभी भी स्लाइट एज है हमेशा। लेकिन गेम में यहाँ पे रुक F1 के बाद EF4 खेल दिया, जिससे मुझे लगता है कि इस बिशप का जो पावर है और बढ़ गया है अभी। और आफ्टर क्वीन इनटू F4 बिशप B6, शायद मुझे लगता है यही जी आकाश ने देखा होगा कि इस मोमेंट पे, क्योंकि किंग G1 पे है तो अभी चेक अवेलेबल है इसमें बिशप B6 और BC5 आने का, और ये पोजीशन शायद डिफेंड हो जाएंगी। सो किंग H1 खेला यहाँ पे, फोर्स्ड मूव था, बिशप C5 क्वीन G3। अब आप देख सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे रुक इंटू F6 और बिशप इंटू F6 थ्रेट है। सो किंग H8 इज फोर्स्ड, रुक F4। यहाँ पे वाइट एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि आपके जो भी पीसेस हैं वो आप खासकर क्वीन और दोनों रुक अगर आ जाते हैं इस साइड में, मेजर पीसेस को हमेशा किंग के, जिधर किंग है उस एरिया में आप रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए अटैक जनरेट करने के लिए। तो रुक F4 खेला, यहाँ पे गेम का पहला क्रुशियल मिस्टेक हो गया ब्लैक से, जी आकाश से, उन्होंने क्वीन C8 खेल दिया यहाँ पे। क्वीन C8 की जगह जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ एक डिफेंसिव रिसोर्स था, वो था बिशप E8, जिसमें आप बिशप E8 आके अगर रुक F7 आता है तो BG6 एटलीस्ट आप रखो, ताकि कुछ पीसेस रहे यहाँ पे किंग को बचाने के लिए। लेकिन क्वीन C8 खेला, क्वीन C8 को रुक F1 खेला, रुक C F1 खेला व्हाइट ने, और रुक C F1 को आप देख सकते हैं कि अभी जो मेन प्रेशर है वो F6 पे है। तो क्वीन क्वीन D8 खेला ब्लैक ने, और एक सपोर्ट दिया। अभी आप देख सकते हैं कि 1 2 3 तीन सपोर्ट है इसको, और उतने ही अटैक है, तो इसको डेफिनेटली अगर चौथा हमको अटैक और जनरेट करना है तो क्वीन H4 जा सकते हैं। बट आप यहाँ पे रुक के मैं चाहूंगा, क्योंकि यही एक सिचुएशन था जो मुझे एक्चुअली दिखाना था कि यहाँ पे व्हाइट के पास कोई और अच्छे ऑप्शन है क्या। तो आप पॉज करके देख सकते हैं इस पोजीशन को, और कोशिश करिए कि ऐसे पोजीशंस में, स्पेशली इस बिशप के लिए मैं चाहूंगा कि आपको हमेशा जब भी आप खेलते हैं तो आपको ध्यान रहे कि अगर ऐसे डायगोनल में, लॉन्ग डायगोनल में बिशप है और किंग उसको है चेट पे, तो डेफिनेटली अटैकिंग पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। और
जिस तरह से डायगनल्स ओपन है और सेमी ओपन फाइल्स हैं ब्लैक के पास, क्वीन भी बहुत अच्छे प्लेस पे है। स्पेशली आप देखेंगे तो बिशप सी फाइव रुक एट बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं गेम में इस पर्टिकुलरली इस एरिया में। सो ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है देखा जाए तो ब्लैक के लिए। यहाँ पर रुक इन टू F6 मार दिया मैं बोलूँ, एक बहुत ही स्ट्रांग मूव, और डेफिनेटली F6 को ब्रेक करना बहुत जरूरी था। GF6 क्वीन G5 ये मूव शायद मुझे लगता है जब क्वीन D8 खेला था आकाश ने तो मिस किया होगा कि क्वीन G5 भी अवेलेबल है उधर उसके बाद। लेकिन इसके बाद शायद मुझे लगता है कि अभी गेम में ज्यादा कुछ बचा नहीं था, हो कि कहीं से रिसोर्स निकल जाए। रुक F7 खेला, फिर भी रुक इन टू F6, रुक G7, रुक G6 ये बहुत अच्छा होता है बिकॉज जैसे ही आप क्वीन इंटू G5 मारते हो तो उधर एक इंटरमीडिएट मूव अवेलेबल है बिशप इंटू G7, और बिशप इंटू G7 के बाद जैसे ही आप किंग G8 खेलोगे तो रुक G5 आ रहा है, और इस पोजीशन में आप देख रहे हैं कि सिंपली व्हाइट जो है वो दो पॉन अप है और ब्लैक का किंग कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। सो किंग F7 खेला यहाँ पे, अदरवाइज बिशप D4 चेक और बिशप C5 आ सकता था शायद। बिशप H6 खेला, किंग ईयर, रुक टू G7। अभी आप देख सकते हैं कि एक सिंपल मेटिंग पैटर्न के लिए जा रहा है यहाँ पे वाइट, बिकॉज इस किंग को कहीं पे प्लेस ही नहीं है। सो एक चेक हमको सिर्फ अरेंज करना पड़ेगा कि एक चेक के लिए हमको देखना पड़ेगा। बिशप E8 खेला यहाँ पे और G4, G4 के बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट मूव डेफिनेटली G5 आ रहा है और कोई उसको सॉल्यूशन नहीं है। सो 44th मूव पे यहाँ पे जी आकाश ने रिजाइन कर दिया। फर्स्ट राउंड में मुझे जहाँ तक लगता है कि हमने वो इसके पहले मैंने एक वीडियो किया था शेयर सुमित ग्रोवर के साथ, वैभव का जो ड्रॉ हुआ था, और वहाँ से निकल के फर्स्ट राउंड ड्रॉ से निकल के 7th राउंड आते आते अभी लीड करने लगे वैभव सूरी, जो कि सोल लीडर था जी आकाश, उनको हरा के 6.5 पॉइंट पे थे वो, और अभी 7 पॉइंट के साथ वैभव सूरी लीड कर रहे हैं नेशनल सीनियर चैंपियनशिप जो सिक्किम में शुरू है। तो बहुत जल्दी और भी गेम्स हम देखेंगे ताकि जितना भी मुझे लग रहा है कि उनको मैं कवर कर सकता हूँ इस चैंपियनशिप को, इस टूर्नामेंट को, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। और अगर आपको लगता है कि कोई और इंटरेस्टिंग, मैंने इस गेम में पूरा गेम नहीं दिखाया था, सिर्फ मुझे वो फाइनल पार्ट दिखाना था जहाँ पे अटैकिंग पॉसिबिलिटीज थी वाइट के पास। लेकिन अगर आपको लगता है कि और कोई गेम भी है तो डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आई विल ट्राई। और मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।